अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें दिव्यांग छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि यह रैली नॉर्मल दिव्यांग विद्यालय से निकलकर अहलादपुर होते हुए शास्त्री चौक, अम्बेडकर चौक, जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए दोबारा दिव्यांग विद्यालय पर जाकर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अब दिव्यांगों को भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार है। वे निर्वाचन कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर अपने बीएलओ को इसकी जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासन का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदाता बने तथा 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राओं को मतदाता बनने का अवसर प्राप्त हो और वे राष्ट्र के हित में मतदान करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के निदेशक रवि और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, वोट उसी के नाम करेंगे, वोट उसी के नाम करेंगे, मतदान। आज विश्व दिव्यांग जन दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में सीआरसी गोरखपुर समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर विगत 3 वर्षों से सीतापुर आई हॉस्पिटल कैंपस में दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, पुनर्वास सेवाएं प्रसारित कर रहा है और उसका बहुत बड़े बृहद स्तर पर बहुत सारा आयोजन करता रहा है। आज विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए और सीआरसी गोरखपुर के जन जागरूकता अभियान रैली हमारे दिव्यांगजन, उनके अभिभावक और हमारे समस्त सीआरसी टीम के द्वारा आज सुबह दिव्यांगजन के जन जागरूकता रैली के दौरान आज इसका शुभारंभ हुआ और यहां गोरखपुर शहर के शहर से सिटी मॉल होते हुए महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज से होते हुए गोलघर होते हुए एस्प्रा से आज हम लोग रैली का आयोजन किया गया और यह रैली बहुत ही सुगम्य रही और दिव्यांगजन इसमें बहुत अच्छी तरह इसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत आगे बढ़े। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और इस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनका वोट मतदाता सूची में, उनका नाम मतदाता सूची में रहना अनिवार्य है या समय की आवश्यकता है। आज सुबह एक रैली निकाली गई जिसमें दिव्यांगजन थे, उनके माध्यम से नगर के कई क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को भी जागरूक किया गया और विभाग के लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा भी दिव्यांगजनों को जागरूक किया गया कि वो मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। यदि उनका नाम नहीं है तो दिनांक 5 दिसंबर तक अपना आवेदन प्रारूप 6 में भर कर दे दें और यदि उनका नाम है तो अपने इपिक का फोटोकॉपी बीएलओ को उपलब्ध करा दें जिससे इलेक्टर रोल में उनकी टैगिंग की जा सके, अर्थात उनका वोट है और वो दिव्यांग हैं इसकी सूचना मतदाता सूची में दर्ज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।